हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। और ये हमारा श्री चल्ला बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स फ्रॉम एडिटोरिया मैगजीन। तो ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, यहाँ पर हम सारा थ्योरी कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे जो 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए इस बुक में, तो उन सभी का वीडियो रिलीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी करने वाले हम अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर, फिर उससे आगे देखेंगे। द स्टेट्स ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 वाज 10.98%। तो 21-22 में जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका ग्रोथ रेट क्या था बिहार का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये था 10.98%। कितना था? 10.98% इन 21-22। बिहार रैंक्स थर्ड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट के मामले में बिहार का रैंकिंग तीसरा था, वर्नी आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अहेड ऑफ बिहार। तो बिहार से कौन आगे था? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज अवार्डेड सेकेंड प्लेस टू बिहार एंड फर्स्ट प्लेस टू कर्नाटका फॉर सर्विसेज टू क्लीनलीनेस एट द स्वच्छ भारत दिवस फंक्शन ऑर्गेनाइज एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली ऑन 2 अक्टूबर 2022। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने बिहार को सेकेंड प्लेस के अवार्ड से नवाजा है और कर्नाटका को फर्स्ट प्लेस के अवार्ड से। क्यों ये अवार्ड मिला है? टू सर्विस फॉर क्लीनलीनेस, सफाई के लिए इन स्वच्छ भारत दिवस फंक्शन, ठीक है। तो सफाई कार्यों में मतलब स्वच्छता के लिए अच्छा काम करने के लिए कर्नाटका को मिला है फर्स्ट अवार्ड, बिहार को मिला है सेकेंड अवार्ड, ठीक है। कब मिला है? तो स्वच्छता भारत दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है उसी मिला था। ए सर्जिकल एंड फार्मा पार्क विल ओपन ऑन द लैंड ऑफ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड लोकेटेड इन बेला इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मुजफ्फरपुर। फॉर दिस अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। तो ये क्या बोला है? एक सर्जिकल और फार्मा पार्क खुलने जा रहा है, कहाँ पे? बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर। ये कहाँ पे है? ये है मुजफ्फरपुर में आपके, ठीक है। और लैंड ऑफ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का जमीन है वहाँ बेला इंडस्ट्रियल एरिया में, वहीं पे खुलेगा सर्जिकल एंड फार्मा पार्क खुलेगा। और इसके लिए अप्रूवल भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो चुका है, मिल चुका है। कॉमेडी फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 9 अक्टूबर 2022 एट गुलजारबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। कॉमेडी फेस्टिवल यूज टू सेलिब्रेटेड इन एंशियंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में एंशियंट इंडिया में कॉमेडी फेस्टिवल मनाया जाया करता था। और कहाँ पे? गुलजारबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 9 अक्टूबर 2022 को कॉमेडी फेस्टिवल मनाया गया था। मतलब From October 2, 2022, election strategist Prashant Kishore started the Jan Suraj Yatra from Vaisali. It is a pad yatra of more than 2500 km. तो 2 अक्टूबर 2022 से जो election strategist है कौन? प्रशांत किशोर। उन्होंने क्या start किया है? जन स्वराज यात्रा की शुरुआत किया है उन्होंने। कहाँ से? वैशाली से। और ये actually क्या है? पद यात्रा होगा, पैदल मार्च होगा लगभग 2500 किलोमीटर का। According to Central ग्राउंड वाटर बोर्ड मोर देन 30 PPB पार्ट्स पर बिलियन ऑफ यूरेनियम इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार लगभग 30 PPB मतलब पार्ट्स पर बिलियन यूरेनियम का मिला है बिहार के 9 जिलों में। अगर हम उन जिलों को देखें तो सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया एंड किशनगंज। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कंसिडर्ड द अमाउंट ऑफ यूरेनियम अप टू 30 PPB एज स्टैंडर्ड। अगर हम यूरेनियम का देखें, कंसिडर करें कि कितना लिमिट होना चाहिए, तो 30 PPB पार्ट्स पर बिलियन स्टैंडर्ड माना गया है, तो उससे अधिक मिला है इन 9 जिलों में। चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ डुमराव एंड बेगूसराय मेडिकल कॉलेज ऑन 21 अक्टूबर 2022। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने क्या किया? फाउंडेशन स्टोन रखा है, आधारशिला रखा है डुमराव और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज का, उसकी बिल्डिंग का, ठीक है। तो डुमराव और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा है 21 अक्टूबर 22 को।
The people of Simanchal are ahead in taking loans in Bihar. The credit deposit ratio of the state is 50.60%. Credit deposit ratio is highest in Purnia and lowest in Munger. तो ये क्या बोल रहा है कि जो सीमांचल के लोग हैं बिहार में, सीमांचल वाला जो एरिया है, कोसी क्षेत्र जो पूर्णिया और किशनगंज वाला एरिया है, तो वहाँ पे लोन लेने के मामले में सीमांचल के लोग ज़्यादा आगे हैं और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्टेट का कितना है 50.60%, कितना है 52.60% 60. और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाईएस्ट कहाँ पे है, पूर्णिया में लगभग 80.55% है, एंड लोएस्ट कहाँ पे है, मुंगेर में. ठीक है. Recently, the world's largest insect, Atlas moth, has been found from Valmiki Nagar in Bihar. तो बिहार के वाल्मीकि नगर से क्या मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट, क्या नाम है उसका, एटलस मोथ, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का प्रजाति होता है एटलस मोथ. तो ये मिला है वाल्मीकि नगर बिहार से, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है एटलस मोथ. On the lines of the state of Bihar, the central government has asked all the states to adopt the smart prepaid model. तो बिहार राज्य के मतलब इन्होंने जो प्रीपेड मीटर लगवाना स्टार्ट किया था, तो इसी तर्ज पे, इसी लाइन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाएं. ठीक है. हरसा ऑफ पटना एंड श्रेयस बी चंद्रा ऑफ औरंगाबाद हैव डिस्कवर्ड 10 एस्टेरॉइड्स अंडर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन. द एस्टेरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय श्रेयस विल बी नेम्ड आफ्टर हिम. तो पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्र ने क्या किया, 10 एस्टेरॉइड ढूंढे हैं अंडर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन. ठीक है. तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्र ने मिलकर 10 एस्टेरॉइड ढूंढा है इन्होंने. और जो एस्टेरॉइड ढूंढे गए हैं वो श्रेयस के नाम पर रखे जाएंगे, उनका नाम, उसका नाम. अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, 12 faculty of IIT Patna have been included in the list of top 2% scientists of the world. तो Stanford University कहाँ पे है, अमेरिका में है. तो इसके अनुसार, इस यूनिवर्सिटी के अनुसार जो 12 faculty है IIT Patna के, IIT Patna के जो 12 faculty है उन्हें शामिल किया गया है in the list of top 2% scientists of the world. तो पूरी दुनिया के जो top 2% scientists है, तो उस 2% में IIT Patna के 12 faculty को भी शामिल किया गया है, according to Stanford University of America, USA. On October 15, 2022, it was decided by the Social Welfare Department of Bihar State that one girl child protection home will be opened in all the districts of the state. So, 15 October 2022 को ये decide किया गया है by the Social Welfare Department of Bihar कि हर जिले में क्या खुला जाएगा, one girl child protection home खुला जाएगा, girl child protection home खुला जाएगा हर जिले में. ठीक है. In all the districts of the state. Bihar's electricity company has planned to set up floating solar power plant at two places in Bihar, Fulwariya and Durgavati. तो बिहार की जो electricity company है उन्होंने decide किया है कि वो क्या start करेंगे, तो floating solar power plant start करने वाले हैं दो जगह पे बिहार में, Fulwariya और Durgavati. A floating solar power plant of 30 megawatt capacity will be set up at Durgavati dam in Kaimur district. जो ये दुर्गावती वाला एरिया है वो कहाँ पे, कैमूर जिला में दुर्गावती डैम पे 30 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा. देयर इज अ प्लान टू सेट अप 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट फुलवरिया डैम इन नवादा. नवादा में फुलवरिया डैम पे 20 मेगावाट का और कैमूर के दुर्गावती डैम पे 30 मेगावाट का, तो दोनों का मिला के 50 मेगावाट हो गया. The first Gati Shakti cargo terminal of East Central Railway ECR will be set up at Barauni under Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana. तो पहला Gati Shakti cargo terminal, क्या Gati Shakti cargo terminal of East Central Railway, East Central Railway will be set up at Barauni. Barauni में खोला जाएगा क्या Gati Shakti cargo terminal under Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana. तो Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana के तहत Barauni में खोला जाएगा Gati Shakti cargo terminal of East Central Railway. On October 11, 2022, Union Home Minister Amit Shah unveiled a 14 feet tall statue of Jayaprakash Narayan on his 120th birth anniversary at Sitab Diyara in Saran district. Diyara in Saran district. तो 11 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ है, जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने, उन्होंने सारण जिले में एक सिताब दियारा इलाका है वहां पे 14 फीट टॉल जयप्रकाश नारायण का स्टैचू का अनावरण किया है, उद्घाटन किया था उनके 120वें जन्मदिन पर.
तो जयप्रकाश नारायण का जो मूर्ति बनी है 114 फीट टॉल, वो कहाँ पे बना है? तो सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताब दियारा क्षेत्र में। ए स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो टर्मिनल विल बी बिल्ट एट पूसा स्टेशन इन समस्तीपुर बिहार अंडर द पीएम गति शक्ति मिशन। तो पीएम गति शक्ति मिशन के तहत पूसा स्टेशन कहाँ पे है? समस्तीपुर में है। वहां पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो टर्मिनल, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। द टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्गो टर्मिनल हैज गिवन टू अडानी ग्रुप। और इसका टेंडर किसको मिला है यह कार्गो टर्मिनल बनाने का? तो अडानी ग्रुप को। द टू डे गिद्धौर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज इन जमुई फ्रॉम सितंबर 30 टू अक्टूबर 2022 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एक दो दिवसीय गिद्धौर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है जमुई में, ठीक है, किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। ए टारगेट हैज बीन सेट टू कंप्लीट द वर्क ऑफ लैंड सर्वे बाय 2024 बाय द बिहार रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। तो बिहार का जो डिपार्टमेंट है, बिहार रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, तो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है 2024 का कि जितने भी लैंड सर्वे का काम अभी अधूरा है उसको किसी तरीके से पूरा कर लेना है, ठीक है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी। तो बिहार का जो जहानाबाद जिला है ना, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है क्या चीज करने वाला? टू प्रोवाइड 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी। तो 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला जिला बन गया जहानाबाद, याद रख लीजिएगा, रखिएगा। एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेट अप एट धोबी इन गया बिहार। तो एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे बन रहा है? धोबी गया में, बिहार में, ठीक है। द स्टेट्स फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी डेवलप्ड इन ऑन 100 acres ऑफ लैंड इन पटना डिस्ट्रिक्ट। तो राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? पटना जिले में बन रहा है। प्रज्वल पांडे रेसिडेंट ऑफ जमापुर इन जीरादई ब्लॉक ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट। तो सिवान जिला के जीरादई ब्लॉक में जमापुर एक गाँव है, वहाँ के रेसिडेंट है प्रज्वल पांडे। Has been included in the core committee of British Prime Minister Rishi Sunak. तो British Prime Minister Rishi Sunak के core committee में शामिल हुए हैं, ठीक है, सिवान district के जीरादई block के प्रज्वल पांडे। चलिए देखते हैं सितंबर 2022 का। Renowned folk artist Ramchandra Manchi, who hails from Saran district of Bihar, passed away. Padma Shri awardee Ramchandra Manchi was famous for Londa Nach. तो बहुत ही प्रसिद्ध फोक आर्टिस्ट थे बिहार के रामचंद्र मांझी। कौन? रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से, सारण जिले से रामचंद्र मांझी। और इनको पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये फेमस थे लौंडा नाच के लिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड ए सिल्वर रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग से अवार्ड दिया गया, सिल्वर रेटिंग अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के क्षेत्र में, वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में, फील्ड में जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है उसने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग से अवार्ड दिया गया है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट रबर डैम बिल्ट ऑन फाल्गु रिवर इन गया। तो गया में फाल्गु रिवर के ऊपर एक रबर डैम बनाया गया है, जो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट रबर डैम है। बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड ए 411 मीटर, तो 411 मीटर का यह डैम है, एट अ कॉस्ट ऑफ 334 करोड़, तो 334 करोड़ खर्च करके ये डैम बनाया गया है। द चीफ मिनिस्टर हैज नेम्ड दिस रबर डैम एज गया जी डैम। और इस डैम का नाम क्या है? तो इस डैम का नाम है गया जी डैम। तो याद रखिए, गया जी डैम बनाया फाल्गु नदी में, फाल्गु नदी के ऊपर और गया जिले में, जो कि रबर डैम है। यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स एंड वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी रिलीज द बुक मोदी एट द रेट 20 सपने हुए साकार एट द ज्ञान भवन इन पटना। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स एंड वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति ईरानी। उन्होंने एक बुक रिलीज किया जिसका नाम है मोदी एट द रेट 20 सपने हुए साकार, ठीक है, कहां पे? तो पटना के ज्ञान भवन में।
राष्ट्रीय जनता दल हैज इलेक्टेड लालू प्रसाद यादव अनअपोज्ड एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट फॉर द 12th कंसेक्यूटिव टाइम। तो राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया है, लालू प्रसाद यादव को सिलेक्ट किया है अनअपोज्ड बिना किसी अपोजिशन के एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट फॉर द 12th कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार 12वीं बार आरजेडी के नेशनल लीडर के रूप में चुने गए हैं लालू प्रसाद यादव जी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के तहत जो रिपोर्ट रिलीज किया उन्होंने 21 के अनुसार बिहार रैंक्स 26th इन टर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन। तो बिहार का रैंकिंग 26वां है इन टर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन। द नेशनल एवरेज क्राइम रेट अगेंस्ट वेमेन इज 364.5 वाले इट इज 30.2 इन बिहार। तो एवरेज कितना है पूरे इंडिया का, ये है 64.5 जबकि बिहार में है 30.2। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द नेशनल अवार्ड टू मधुबनी पेंटिंग। द फेमस आर्टिस्ट ऑफ मिथिला पेंटिंग विभा लाल सिलेक्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल अवार्ड। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द नेशनल अवार्ड टू मधुबनी पेंटिंग को क्या मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने दिया है। द फेमस आर्टिस्ट ऑफ मिथिला पेंटिंग, अगर मिथिला पेंटिंग के जो फेमस आर्टिस्ट है नाम है विभा लाल को उन्हें सिलेक्ट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड के लिए विभा लाल को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द फैसिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग विलेज एंड टाउन मैप्स ऑनलाइन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो बिहार पहला राज्य बन गया है देश का जहां पे आप विलेज या किसी भी टाउन का मैप को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है। तो पहला राज्य बन गया है। बिहार पुलिस वाज अवार्डेड द स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 21 बाय FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर इट्स ऐप चक्र। तो बिहार पुलिस को क्या कौन सा अवार्ड मिला है, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 21। कौन सा अवार्ड, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर इट्स ऐप चक्र। तो उसने एक चक्र ऐप बनाया था और इस ऐप के लिए स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला है। किसको, बिहार पुलिस को, किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा। IIT पटना हैज बीन डेवलपिंग ए वर्चुअल डॉक्टर। द वर्चुअल डॉक्टर विल नॉट बी डिस्टेंट पर्सन बट एन एंड्रॉइड ऐप बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक वर्चुअल डॉक्टर कौन बना रहा है, IIT पटना बना रहा है। तो वर्चुअल डॉक्टर बेसिकली है क्या, ये एक बेसिकली एंड्रॉइड ऐप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। ठीक है। हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले हैज बीन फाउंड अबव पीरपैती कोल माइन इन भागलपुर बिहार। तो बिहार के भागलपुर में जो पीरपैती कोल माइन है तो वहां पे क्या मिला है, एक वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है, काफी हाई क्वालिटी का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क ऑफ पटना सिटी गिवन द 4th रैंक इन द कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज जू बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, पटना सिटी में है, इन्हें 4th रैंक मिला है किस कैटेगरी में, ऑफ लार्ज जू बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो लार्ज जू के कैटेगरी में पटना के संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को 4th रैंक मिला है बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी। द मखाना डेवलपमेंट स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 11 डिस्ट्रिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मखाना थ्रू प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मखाना सीड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई क्वालिटी मखाना सीड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन स्टेट। तो सिंपल याद रखिएगा कि जो मखाना डेवलपमेंट स्कीम है वो कितने जिलों में इंप्लीमेंट किया गया, तो 11 जिलों में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसके अच्छे क्वालिटी के सीड्स को बढ़ाना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट फॉर द ईयर 21 बिहार रैंक 7th इन टर्म्स ऑफ क्राइम। तो क्राइम के मामले में बात करें अगर हम, तो क्राइम के मामले में 4th रैंक है बिहार, सॉरी 7th रैंक है बिहार का एज पर द रिपोर्ट्स रिलीज बाई नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। 2799 केसेस ऑफ मर्डर वेयर रजिस्टर्ड इन बिहार एंड इट इज द सेकेंड पोजिशन। ठीक है। तो लगभग 2800 केसेस, मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए हैं बिहार में और ये सेकेंड पोजिशन पे है। ठीक है। मुजफ्फरपुर लहठी बैंगल्स विल बी प्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज इन द G20 कॉन्फ्रेंस। तो जो G20 कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, तो जो प्रेसिडेंट्स आएंगे अलग अलग देशों के, तो उनको क्या दिया जाएगा, मुजफ्फरपुर का लहठी दिया जाएगा, बैंगल्स दिया जाएगा। ठीक है। द G20 समिट वॉज हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया फ्रॉम 15 नवंबर। तो ये G20 समिट पिछले साल का समिट का है। ठीक है। इंडोनेशिया में हुआ था पिछले साल, इस बार तो इंडिया में हो रहा है।
Actors Manoj Bajpayee and Pankaj Tripathi from Bihar have been appointed as brand ambassadors for the municipal election by the State Election Commission. तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किसको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, तो एक्टर्स एक्टर्स मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को फॉर द म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए। ठीक, डॉक्टर मनसुख मांडव्य यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनोग्रेटेड आरोग्य मंथन 2022। ठीक है, ऑन 25 सितंबर 2022 ड्यूरिंग दिस बिहार रैंक्ड फर्स्ट इन द अवार्ड कन्फर्ड टू द स्टेट्स फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑन द आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये क्या बोला है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मनसुख मांडविया, उन्होंने सेलिब्रेट किया है, 4 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का और पहला एनिवर्सरी था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, तो इस बात पे उन्होंने इनोग्रेट किया है आरोग्य मंथन 2022। और इस आरोग्य मंथन में बिहार को पहला पोजीशन मिला है, पहला रैंकिंग मिला है फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो बिहार के सबसे ज्यादा रजिस्टर उन्होंने किया है जो आयुष्मान भारत का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पे, तो इस मामले में बिहार को पहला पोजीशन दिया गया है। Class 10 student Niharika Kumari has been selected under the Inspire Award standard scheme of the Department of Science and Technology, Government of Bihar. So, class 10th ki student hai Bihar ki Niharika Kumari, theek hai? To inko select kiya gaya hai under the Inspire Award standard scheme of the Department of Science and Technology, Government of India. The Government of India ka jo department hai, Department of Science and Technology, to unko Inspire Award standard scheme ke liye select kiya gaya hai Bihar ki Niharika Kumar ko. करकटगढ़ फॉल्स लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो कैमूर जिले में क्या है, करकटगढ़ फॉल्स है, तो इसको डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। कहाँ पे है, कैमूर जिले में। सविता महतो बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट हैज कंकर्ड उमलिंगला पास बाय बाइसिकल, सी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो उमलिंगला पास बाइसिकल से क्रॉस करने वाली बिहार की सारण डिस्ट्रिक्ट की सविता महतो जी है, ठीक है, और ये पहली महिला है जिन्होंने इसको पास किया है उमलिंगला पास को। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट रामायणा यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया गया है कि रामायणा यूनिवर्सिटी बनेगा कहाँ पे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है क्या, रामायणा यूनिवर्सिटी। बिहार फर्स्ट प्रॉस्परस नेचुरोपैथी कम योगा सेंटर ओपन बेगूसराय, तो बिहार का पहला परस्परस नेचुरोपैथी कम योगा सेंटर खुलने वाला है कहाँ पे, बेगूसराय में। ठीक है, हियर द ह्यूमन बॉडी विल बी प्यूरिफाइड थ्रू सॉइल वाटर सनलाइट एंड एयर इन कम्प्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट। तो कम्प्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट में ह्यूमन बॉडी को प्यूरिफाई किया जाएगा। नबार्ड विल हेल्प इन गेटिंग GI टैग फॉर खुरमा तिलकुट एंड बालूशाही ऑफ बिहार। तो बिहार के खुरमा को तिलकुट को और बालूशाही को GI टैग दिलाने में हेल्प करने वाला है कौन, नबार्ड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली स्टेट ऑफ द आर्ट नालंदा डेयरी हैज बिकम द फर्स्ट डेयरी इन द कंट्री टू गेट द कैश मार्क। कैश मार्क क्या होता है, कन्फर्मेटरी एचीवमेंट स्कीम मार्क। तो नालंदा डेयरी जो कि इस पूरे एरिया में नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मिला के ये पहला है इस तरह का जिसे कैश मार्क मिला है। The Panchayati Raj Department of Bihar Government has prepared a plan under which it has decided to set open gyms in Panchayat. तो Panchayati Raj Department ने क्या ये plan बनाया है, open gym खोले जाएंगे पंचायत में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगस्त 2022 से। Nitish Kumar has decided to rename Raghunathpur Railway Station in Bihar in Buxar District as Baba Brahmeshwar Nath Railway Station. तो नीतीश कुमार जी ने डिसाइड किया है कि वो जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है बक्सर जिला में उसका नाम बदल कर रखेंगे क्या, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन कम अंडर दानापुर डिवीजन सिचुएटेड इन बिटवीन बक्सर एंड आरा। तो बक्सर और आरा के बीच में जो दानापुर डिवीजन है वहां पर ही आता है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन एंड नेम्ड आफ्टर नियर बाई विलेज रघुनाथपुर। ठीक है, और नेम्ड आफ्टर अ नियर बाई विलेज इन रघुनाथपुर। बिहार पुलिस हैज रिसीव 26 सेंट्रल मेडल्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ऑन द ओकेजन ऑफ 76th इंडिपेंडेंस डे दिस इंक्लूड 7 गैलेंट्री मेडल्स। तो बिहार पुलिस ने रिसीव किया है क्या 26 सेंट्रल मेडल्स, क्या 26 सेंट्रल मेडल्स मिला है बिहार पुलिस को, ठीक है, कम मिले हैं ऑन द 76th इंडिपेंडेंस डे। तो जो 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था तो उसी दौरान बिहार पुलिस को 26 सेंट्रल मेडल मिले हैं और इसमें 7 गैलेंट्री मेडल्स भी हैं। नैयर हसनैन खान एडिशनल डीजीपी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हैज गॉट प्रेसिडेंट्स बिहार पुलिस अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो बेहतरीन सर्विस के लिए क्या मिला है, एडिशनल डीजीपी है नैयर हसनैन खान, इन्हें मिला है प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड से नवाजा गया है इनको। रोहित ए क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट हैज डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। तो बिहार के जमुई जिले में पढ़ने वाले एक 10वीं क्लास के छात्र रोहित जिनका नाम है, उन्होंने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप किया है जिससे पूरे दुनिया में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। द नेम ऑफ दिस स्टार्टअप इनक्यूबेटेड बाय द CIMPS इनक्यूबेशन फाउंडेशन इज हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। इसका नाम क्या है, हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। रोहित हैज अचीव्ड दिस फीट आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ रिसर्च। तो 7 साल की रिसर्च के बाद रोहित ने यह अचीव किया है। JDU already had the status of state party in Bihar and Arunachal Pradesh. Now in Manipur also JDU has got the status of a state party. तो JDU के पास बिहार और अरुणाचल प्रदेश में तो स्टेट पार्टी का दर्जा था ही, अब उसको मणिपुर में ही, JDU को मणिपुर में भी क्या मिल गया है, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। इन द 2022 मणिपुर असेंबली इलेक्शन JDU did well by winning 6 seats. तो 6 सीट JDU को मिला था। JDU got 10.7% वोट, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ 76th इंडिपेंडेंस आउट ऑफ टोटल 9 टैबल्यू टेकन आउट ऑफ गांधी मैदान पटना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गॉट फर्स्ट प्लेस। तो जो 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था पिछले साल 15 अगस्त को, तो उसमें टोटल 9 झांकियां निकली थी, ठीक है। उस 9 में टॉप पे कौन था, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का झांकी, सेकंड में फायर डिपार्टमेंट, थर्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट। बेकर्स हैव ओपेंड देयर ओन यूनिक बैंक इन मुजफ्फरपुर बिहार। दे आर ऑल्सो गिवन इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट एंड लोन्स आर ऑल्सो गिवन टू बेगर्स इफ नीडेड। तो बेगर्स, जो बेगर्स है, उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक यूनिक बैंक खोला है, अपना यूनिक बैंक खोला है। दे आर ऑल्सो गिवन इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, ठीक है, एंड लोन्स आर ऑल्सो गिवन टू बेगर्स इफ नीडेड। तो भिखारियों को क्या मिलेगा, अगर कोई पैसा जमा करेगा तो उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और जरूरत पड़ने पर लोन भी दिया जाएगा इस बैंक के द्वारा। The astronomical observatory at the Alos College Muzaffarpur has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatories of the world. तो जो Alos College कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे क्या है, एक astronomical observatory है तो उसको include किया गया है किसमें, किस list में, तो UNESCO list of important endangered heritage observatories of the world. तो पूरे वर्ल्ड में जो एक इम्पॉर्टेंट इनडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज है यूनेस्को लिस्ट का, तो उसमें शामिल किया गया है एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को। इट वाज डेवलप्ड इन द 1916 आफ्टर कॉलेज प्रोफेसर फेल्ट द नीड फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। आफ्टर फंक्शनिंग फॉर सेवरल डिकेड्स इट वाज सील्ड इन 1995। तो बहुत सालों तक ये काम किया, फिर 1995 में इसको सील कर दिया गया। Recently, Professor Suresh Kant Verma has been made the first Vice Chancellor of Bihar Engineering University. तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर किसे बनाया गया है, प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा को, प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी को। अभिषेक सानू का भागलपुर did the commentary of India's Pakistan cricket match in Asia Cup 2022. This will be the first time that Abhishek has given his voice directly in the commentary box of the stadium. तो भागलपुर से बिलोंग करने वाले अभिषेक सानू पहली बार उन्होंने क्या किया है, कमेंट्री किया है, लाइव कमेंट्री किया है इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच हुआ था एशिया कप 2022 में, ठीक है। और ये पहली बार है कि अभिषेक ने डायरेक्टली अपने वॉइस दिया था इन द कमेंट्री बॉक्स ऑफ द स्टेडियम। तो अभिषेक सानू भागलपुर कमेंटेटर। रिसेंटली अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द बिहार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश, तो मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने क्या किया है, स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, ठीक है। तो फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अंडर दिस द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एफर्ट्स टू मेक 691,000 हेक्टेयर ऑफ चौर एरिया वेटलैंड सुटेबल फॉर फिश फार्मिंग। और इसके तहत सरकार क्या कर रही है, एफर्ट लगाएगी टू मेक 6 लाख लगभग 691,000 हेक्टेयर ऑफ चौर एरिया, कौन सा एरिया, चौर एरिया, चौर एरिया क्या हो गया, वेटलैंड एरिया, सुटेबल फॉर फिश फार्मिंग। नीतीश कुमार टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 8th टाइम ए डे आफ्टर ही रिजाइंड एज द सीएम ऑफ एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट एंड स्टेक्ड क्लेम टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट विद आरजेडी कांग्रेस एंड अदर्स। श्री नीतीश हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ भागलपुर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर। वही बोल रहा है कि जो सीएम साहब है हमारे, उन्होंने पिछले साल एनडीए से कोलिशन तोड़ के आरजेडी के साथ आकर चीफ मिनिस्टर का पद शपथ ग्रहण किया था 8वीं बार लगातार, ठीक है, 8th टाइम जो कि मैक्सिमम टाइम है। गवर्नर फागू चौहान एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू 31 मिनिस्टर्स ऑफ द ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट, आरजेडी 16, जेडीयू 11, कांग्रेस 2, हम एक, इंडिपेंडेंट एक, ए टोटल ऑफ 7 पार्टीज आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रैंड। तो उन्होंने जो शपथ ग्रहण हुआ, फागू चौहान ये पहले के गवर्नर थे, अब चेंज हो चुके हैं, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच छोड़िए। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सेलरेट द सास बहु बेटी कैंपेन अगेन स्टेट, तो सास बहु बेटी कैंपेन फिर से बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ रोड मैप टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 17 टाइगर्स डाइड इन बिहार फ्रॉम 2012 टू 2022 वाइल द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स डाइड इन मध्य प्रदेश 270, ठीक है। जो हाल ही में रिसेंट रिपोर्ट आया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, उसमें ये बोला गया है कि बिहार में 17 टाइगर का डेथ हुआ है 2012 से 22 के बीच में, और सबसे ज्यादा डेथ जो हुआ है वह मध्य प्रदेश में हुआ है 270 का। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड बक्सर टू बी द टॉप डिस्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर मनरेगा एंड सीवर हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो मनरेगा के तहत सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन है, बक्सर, और सबसे पीछे कौन है, शिवहर। ऑन अगस्त 23, 2022, तो 2022 के 23 अगस्त को चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार रिलीज द बुक सोने का हाथ, तो एक बुक रिलीज किया उन्होंने, क्या, सोने का हाथ बाय डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद, ए रिनाउंड आई डॉक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के कौन है, चेयरमैन है, और एक बहुत ही बेहतरीन आई डॉक्टर है, क्या नाम है, डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद। दिस बुक इज कलेक्शन ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का जो एक डेली रूटीन होता है, तो उस पर बेस्ड ये बुक किताब है सोने का हाथ। ऑन 7th अगस्त 2022 द 7th फाउंडेशन डे ऑफ बिहार म्यूजियम लोकेटेड इन पटना वॉज सेलिब्रेटेड, तो 7 अगस्त 2022 को क्या हुआ, 7th फाउंडेशन डे मनाया गया है बिहार म्यूजियम का। स्त्री का फुल फॉर्म बताइए, सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट कैंपेन स्टार्टेड बाय कांग्रेस इन बिहार टू प्रोवाइड लीगल एंड मेडिकल हेल्प टू वुमेन, तो कांग्रेस में बिहार में कांग्रेस के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है टू प्रोवाइड लीगल एंड मेडिकल हेल्प टू वुमेन, तो महिलाओं को कानूनी और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, और उसका नाम रखा गया स्त्री, ठीक है। स्त्री का फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट कैंपेन, चलिए बढ़िया। अंडर द चीफ मिनिस्टर हर घर नल का जल योजना बिहार इज द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन प्रोवाइडिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर टू द 34,323 रूरल हाउसहोल्ड, तो 34,323 ग्रामीण घरों में साफ पानी सप्लाई करने वाले बिहार को टॉप पोजीशन में रखा गया है। अंडर योजना कौन सी थी, तो हर घर नल का जल योजना।
Bihar has opted to be out of the Har Ghar Jal Utsav organized across the country in August. Bihar is the only state where this festival is not celebrated. तो हर घर जल उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में अगस्त में, और बिहार ने इस उत्सव से अपने आप को दूर रखा था। और बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जो इस उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हर घर जल उत्सव अगस्त में हुआ था पिछले साल 22 में, उसमें बिहार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद रखिएगा हर घर जल उत्सव। टू सेव द क्रॉप इन बेतिया, द फार्मर ऑफ हरदी नदवान पंचायत एट चौतवारा और बगहा डाइवर्टेड द रिवर स्ट्रीम बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डैम नियर द थ्री माउंथ्स ऑफ द सिक्ती एंड हरहा रिवर्स टू सेव देयर फील्ड फ्रॉम ड्राउट। तो ये बोला है कि बेतिया में क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या किया है वहाँ के किसानों ने, जो लोकल किसान थे हरदी नदवान पंचायत के, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जो रिवर स्ट्रीम थी, जो नदी की स्ट्रीम थी, उसे डाइवर्ट कर दिया है एक डैम बनाकर नियर द थ्री माउथ्स ऑफ द सिक्ती एंड हरहा रिवर्स। दो नदी नाम याद रखिएगा, सिक्ती और हरहा रिवर्स। तो उसके तीन मुंह पे क्या किया, डैम बनाया है और वहां से पानी को डाइवर्ट कर दिया है टू सेव देयर फील्ड्स फ्रॉम ड्राउट, तो ड्राउट से बचाने के लिए। रिसेंटली बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन बिहार पुलिस। तो ये पहले भी देख चुके हैं, बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस है, तो टॉप पे है बिहार महिला पुलिस के संख्या में। इन द कैबिनेट मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 16, 2022, द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्कीम जल जीवन हरियाली अभियान वॉज अप्रूव्ड फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम 2022-23 to 2024-25। तो 22-23 से लेकर 24-25 तक एक्सपेंड कर दिया जल जीवन हरियाली अभियान को। ऑन 26 अगस्त 22 आरजेडी अवध बिहारी चौधरी बिकम द 17th स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही वॉज इलेक्टेड एज अनअपोज्ड। तो 26 अगस्त 2022 को आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को सिलेक्ट किया गया है 17th स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के 17th स्पीकर के रूप में, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज द अनअपोज्ड, और बिना किसी अपोजिशन के ये सिलेक्ट कर लिया गया अवध बिहारी चौधरी। और 18 अगस्त 2022 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द अंडरग्राउंड वर्क ऑफ द पटना मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट एट मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम में पटना रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट का जो एक अंडरग्राउंड वर्क चल रहा था, तो उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इट्स कॉस्ट इज आरएस रुपीज लगभग 1989, लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च आएगा इसमें। रेणु पासवान और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, रेणु पासवान कहाँ की है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की, और बिहार बहुत रिसेंटली मेड द चेयरपर्सन ऑफ द G100 ग्रुप। तो G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया किसको, बिहार की मुजफ्फरपुर से बिलोंग करने वाले रेणु पासवान को। दिस ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल वुमेन अराउंड द वर्ल्ड हु रेज देयर वॉइस फॉर वुमेन्स राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्चुअली में है क्या, तो ये एक्चुअली में एक स्ट्रांग महिलाओं का ग्रुप है जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करती है और उनके वुमेन्स राइट्स के लिए काम करती है और आवाज उठाती है। तो उसके चेयरपर्सन बनी है मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान। रेणु पासवान विल बी द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन इट फ्रॉम बिहार। तो बिहार से ज्वाइन करने वाली पहली महिला है रेणु पासवान। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 4 मिनरल ब्लॉक्स ऑफ क्रोमियम पोटासियम टू बिहार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलॉट कर दिया है 4 मिनरल ब्लॉक्स ऑफ क्रोमियम पोटासियम टू बिहार। तो बिहार को अलॉट कर दिया है 4 मिनरल ब्लॉक्स ऑफ क्रोमियम और पोटासियम। तो क्रोमियम और पोटासियम का 4 जो मिनरल ब्लॉक है वो बिहार को अलॉट कर दिया है। बिहार हैज बिन गिवन 3 ब्लॉक्स ऑफ पोटासियम एंड 1 ऑफ क्रोमियम। तो 3 मिला है पोटासियम का और 1 क्रोमियम का। दिस इंक्लूड्स नदवादी ब्लॉक ऑफ इन सासाराम रोहतास, ठीक है, टिप्पा मिनरल ब्लॉक, शाहपुर ब्लॉक। All these 3 blocks of potassium. Apart from this, there is a chromium block in Aurangabad Gaya. तो chromium block कहाँ पे है, औरंगाबाद गया में, और इधर 3 है आपका नवादी block in सासाराम रोहतास, ठीक है, एक टिप्पा मिनरल block है, एक शाहपुर block है, ठीक है। तो ये 3 है potassium का और औरंगाबाद वाला chromium का है। बोध गया और बिहार has been awarded बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन एट द आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 22 सेरेमनी हेल्ड ऑन 25 अगस्त 2022 इन न्यू दिल्ली। तो 25 अगस्त 2022 को जो आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें बिहार के बोध गया को क्या मिला है, बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन मिला है बिहार के बोध गया को, ठीक है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मखाना और मिथिला. मिथिला के मखाना को क्या मिला है? जी आई टैग मिला है. विद दिस मखाना प्रोड्यूसर्स विल नाउ गेट अ बेटर प्राइस फॉर द प्रोड्यूस. इससे क्या होगा, एक बेटर प्रोड्यूस मिलेगा, बेटर प्राइस मिलेगा मखाना को. बिहार स्टूड एट सेकेंड प्लेस आफ्टर यूपी इन गोइंग अब्रॉड फॉर वर्क फ्रॉम द कंट्री. तो इस देश से बाहर जाने वालों की संख्या में टॉप पे कौन है? यूपी है. उसके बाद कौन है? बिहार है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. जुलाई के महीने में द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अलाउ एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट गोल्ड डिपॉजिट इन जमुई डिस्ट्रिक्ट. तो जमुई जिले में सबसे बड़ा, कंट्री का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मिला है, तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए बिहार सरकार ने परमिशन दे दिया है, अलाउ कर दिया है. और बिहार में अगर हम बात करें तो लगभग 222.8 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व, इतना सारा सोना मिल गया है बिहार के जमुई में, विच इज 44% ऑफ द कंट्रीज टोटल गोल्ड रिजर्व. जो कि अभी जितना गोल्ड मेडल है उसका 44% रिजर्व बिहार के जमुई जिले में है. ठीक है, द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप इन पटना टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ बिहार टू सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम. तो ये क्या बोल रहा है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है. कौन सा प्लेटफॉर्म? उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप. उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप कहाँ पे? पटना में. किसको? टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ बिहार. तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला उद्यमी होगी उनको ये दिया है प्लेटफॉर्म कि आप आइए और इसमें अपना सामान बेचिए, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको यहाँ का रख बेचिए. ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय. ऑपरेशन शैडो क्या है? शैडो मतलब सर्च एंड डिस्ट्रॉय. वंस अगेन लॉन्च इन द फॉरेस्ट ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू कर्व द नक्सलाइट. तो नक्सलाइट को कर्व करने के लिए बिहार के मुंगेर जिले में ऑपरेशन शैडो चलाया गया है. मतलब सर्च एंड डिस्ट्रॉय क्यों चलाया गया है? टू डिस्ट्रॉय द कर्व द नक्सलाइट. नक्सलाइट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेशन शैडो चलाया गया है. ठीक, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार्स बिगेस्ट एलिवेटेड रोड कॉरिडोर फ्रॉम दानापुर टू बिहटा विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से क्या स्टार्ट होने वाला है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनेगा, कहाँ से? दानापुर से लेकर बिहटा तक. दानापुर से लेकर बिहटा तक बनेगा, बिहार्स बिगेस्ट एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनेगा. तो उसका काम चालू होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 से. द बुक ऑफ आर्या डॉटर मुजफ्फरपुर बिहार ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हैज बिकम अ मॉडल फॉर द होल कंट्री. द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द बुक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP बाई आर्या एंड मैत्री ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो एक बुक है, बुक ऑफ आर्या, जो कि एक मुजफ्फरपुर की बेटी है, ठीक है, तो इनका जो बुक होगा ये पूरे देश में मॉडल बनेगा. ठीक, द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज इन द विधानसभा प्रमाइसेज टू मार्क द कम्पटीशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ द हिस्टोरिक बिल्डिंग ऑफ द बिहार विधानसभा. तो बिहार विधानसभा के बिल्डिंग जो है 100 साल पूरे होने पे क्या हुआ है, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया. मेमोरियल पिलर विथ अ ग्रैंड ब्रॉन्ज स्टैचू हैज बीन कंस्ट्रक्टेड हियर टू रिप्रेजेंट द स्टेट एम्बलम वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 12 जुलाई 2022. तो 12 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा क्या हुआ है, यहाँ का स्टेट एम्बलम को इनोग्रेट किया गया था. ठीक है, उसके साथ साथ ग्रैंड एक मेमोरियल पिलर भी विथ ग्रैंड ब्रॉन्ज स्टैचूज भी कंस्ट्रक्ट किया गया है. द मेमोरियल पिलर बिल्ट इन द असेंबली हैज मेनी फीचर्स. तो बहुत सारे फीचर्स हैं. क्या क्या है? देयर इज अ बोधि ट्री इन द टॉप ऑफ द पिलर. तो उस पिलर के टॉप पे क्या है? बोधि ट्री है, विच हैज 318 लीव्स. तो कितने पत्ते हैं? 318 पत्ते हैं उस बोधि ट्री में. We saw that there are 243 seats in the Bihar Legislative Assembly. The Bihar Legislative Assembly में 243 seats हैं and 75 in the Legislative Council. ठीक है, तो ये 243 plus 75 आपको हो जाएगा कितना? 318 leaves. The tree is divided into 9 branches. तो 9 branch में divide किया गया है, which represents the 9 division of the state. तो जो 9 branch है वो क्या represent कर रहा है? 9 division of the state. It has 38 branches, which shows the district of Bihar. तो इस बोधि ट्री पे 38 branches हैं, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है?
38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. स्वास्तिक हैज ऑल्सो बीन मेड इन अस्ट्री. द पिलर इज 40 फीट हाई ऑन विच स्टोन्स फ्रॉम जैसलमेर ऑफ राजस्थान हैव बीन यूज टू अप टू 25 फीट. 25 फीट तक जो राजस्थान जैसलमेर का स्टोन यूज हुआ है. ठीक है. The National Institutional Ranking Framework released the ranking for session 22, in which only two institutions from Bihar have managed to make it to the top 100. Both belong to the engineering sector. ठीक है. जो 2022 का NIRF ranking release किया गया, National Institutional Ranking Framework, तो उसमें बिहार से सिर्फ दो कॉलेज को शामिल किया गया था टॉप 100 में, और दोनों ही क्या है, इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है. The two institutes from Bihar in the top 100 are the IIT Patna and NIT Patna. The two are IIT Patna and NIT Patna. IIT Patna slipped 8 places in the overall category and secured 59th rank in the country among higher education institutions. So IIT Patna 8 place slip kar gaya, pichhad gaya among the overall category. Theek hai, chala gaya 59th rank pe. NIT Patna has shown remarkable improvement by securing 63rd rank in the engineering category as compared to 72nd last year. तो पिछले साल 72वां रैंक था और इस बार काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है. 2022 का 63rd रैंक है. After the notification issued by central government, storage, use and marketing of single-use plastic has been banned in Bihar from 8 July 2022. तो 1 जुलाई 2022 से single-use plastic का स्टोरेज, यूज और मार्केटिंग सब कुछ बैन है. अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स UDICE रिपोर्ट 2021, बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 16.18% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है. तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे, बिहार में. कितना परसेंटेज, 16.18%. दस बिहार रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इन क्लास वन. तो क्लास वन में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले में बिहार का रैंकिंग क्या है, पहला है पूरे कंट्री में. द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग 36 वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका हियर. अपार्ट फ्रॉम द अफ्रीकन लायन, टू हॉर्न राइनोसेरस एंड लॉन्ग हॉर्न ओरियक्स विल बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल्स लाइक जिराफ, जेब्रा, इम्पाला डियर, क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स टू बी ब्राउट. तो 36 वाइल्ड एनिमल्स लाए जाएंगे कहाँ से, साउथ अफ्रीका से. कहाँ पे, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में. फयाज अहमद आरजेडी, मिसा भारती आरजेडी, सतीश चंद्र दुबे बीजेपी, शंभूशरण पटेल बीजेपी एंड खीरू महतो JDU वेर इलेक्टेड अन अपोज टू 5 राज्यसभा सीट फ्रॉम बिहार. तो बिहार से जो 5 सीट्स पे चुने गए हैं राज्यसभा किसी सीट के लिए अनअपोस्ट. इन जुलाई 22 किन्नर महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज एट प्रेमचंद रंगशाला इन पटना. तो पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया. पद्मश्री मंजमा जोगाठी गेव अ स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ कन्नड़ सॉन्ग एंड डांस जोगथी. ठीक है. तो कन्नड़ सॉन्ग और डांस जोगथी का स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया गया मंजमा जोगथी के द्वारा, जो कि पद्मश्री अवार्डी भी है. Chief Minister Nitish Kumar has directed the concerned department to complete all the projects started under the state government's Har Khet Tak Sichai Ka Pani scheme by 25. So, 2025 tak khatam karna hai kya Har Khet Tak Sichai Ka Pani scheme. Theek hai. In Bihar, Amrit Bijli Mahotsav was organized in all the districts from 25 July to 30 July under the Amrit Mahotsav of Independence. तो इंडिपेंडेंस के अमृत महोत्सव के दौरान 25 जुलाई से 30 जुलाई तक क्या मनाया गया है सभी जिलों में, अमृत बिजली महोत्सव. बिहार रैंक सेकंड इन मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कंजप्शन. इन द कंट्री आफ्टर सिक्किम. तो सिक्किम के बाद बिहार का जो रैंकिंग है सेकंड है इन मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कंजप्शन. ऑनलाइन ऑक्सीजन कंजप्शन इन्फॉर्मेशन इज बिंग गिवन बाई 90% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन बिहार. तो बिहार में लगभग 90% हॉस्पिटल क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट ऑनलाइन ऑक्सीजन कंजप्शन के बारे में. बिहार हैज गॉट द सेकेंड प्लेस इन द कंट्री इन द पोस्ट नेटल केयर ऑफ प्रेगनेंट वुमेन. तो पोस्ट नेटल केयर जो प्रेगनेंट महिलाओं को मिलता है, उसमें बिहार का रैंकिंग क्या है, सेकेंड प्लेस पे है बिहार.
दलित लीडर एंड फॉर्मर मिनिस्टर रमई राम पास्ड अवे रिसेंटली. ही हैज बीन एमएलए फॉर रिकॉर्ड 9 टाइम्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर बोचहा असेंबली सीट. तो मुजफ्फरपुर के बोचहा असेंबली सीट से 9 बार तक लगातार रिकॉर्ड एमएलए बने रहने वाले रमई राम देहांत हो गया. दलित लीडर थे और फॉर्मर मिनिस्टर भी थे. द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट मोदी नगर एंड नीतीश नगर विल बी बिल्ट टू सेटल द पुअर इन बिहार. तो बिहार सरकार ने क्या डिसाइड किया है कि मोदी नगर और नीतीश नगर यह बनाया जाएगा टू सेटल द पुअर इन बिहार. बिहार में गरीबों को सेटल करने के लिए दो नगर बनाए जाएंगे. डिस्प्लेस्ड पीपल इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी सेटल्ड बाई गिविंग देम लैंड फॉर हाउसिंग इन मोदी नगर एंड नीतीश नगर. तो मोदी नगर और नीतीश नगर में ठीक है तो उनको जमीन देकर बसाया जाएगा. स्टेट्स फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क विल बी बिल्ट एट वीर कुंवर सिंह पार्क इन पटना. हेयर यू विल बी टॉट अबाउट ट्रैफिक रूल्स. तो बिहार का पहला परमानेंट ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है. कहाँ पे? वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में. हेयर यू विल बी टॉट अबाउट ट्रैफिक रूल्स. तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा. द जनता दल यू हैज वन 3 सीट्स इन द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज बाई इलेक्शन इन अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल लोकल म्यूनिसिपल बॉडी का. वहां पे जेडीयू ने 3 सीट्स अपने नाम किया. सविता महतो ऑफ बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन साइक्लिस्ट इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल बाय साइकिल ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड उमलिंगला. तो ये पहले भी आ चुका था कि जो हाईएस्ट रोड है उमलिंगला, यहाँ पे ट्रैवल करने वाली बाइसिकल से पहली महिला बनी है बिहार के सारण जिले से बिलोंग करने वाली सविता महतो. सविता महतो. इट हैज बीन मेड नेसेसरी टू रजिस्टर ऑल द टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज इन बिहार. अंडर एन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स टू अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेबसाइट. तो ये क्या बोल रहा है कि सभी मंदिरों और मोनास्ट्रीज को क्या करना है, रजिस्टर करना है वेबसाइट पे. ठीक है, तो और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो सब अपलोड करवाएंगे वेबसाइट पे. बिहार इज गोइंग टू मेक अनदर टाइटल बाई स्टार्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल बरौनी रिफाइनरी ऑफ द स्टेट. तो क्या बिहार को क्या टाइटल मिलने वाला है, कौन सा? तो बिहार क्या करने वाला है, स्टार्टिंग द प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है किस चीज का? एविएशन टर्बाइन फ्यूल. एविएशन टर्बाइन फ्यूल बरौनी रिफाइनरी में. फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब. क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब वॉज एस्टेब्लिश बाय द बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट पटना जू. तो पटना जू में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पहली बार क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बनाया जा रहा है. द लैब वॉज इनॉग्रेटेड बाई द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट. तो इस लैब का उद्घाटन कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, जो मिनिस्टर है. दिस लैब विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अमॉन्ग जनरल पब्लिक स्पेशली स्कूल चिल्ड्रेन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो इसमें क्या है, लोगों को जागरूक किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, खासकर बच्चे. जो पटना जू में खोला जा रहा है तो पर्पस ही यही है कि जो घूमने आएंगे वहां पे उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा. रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट द सेकेंड मैरिज फॉर एनी लेवल ऑफ पर्सनल पोस्टेड इन द बिहार गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड वैलिड ओनली इफ इट टेक्स प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अच्छा, तो हाल ही में गवर्नमेंट सरकार ने क्या किया, अनाउंस किया है कि कोई भी पर्सनल ऑफिसर्स जो बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनको दूसरी शादी तभी करनी होगी, उसके पहले बिहार सरकार से उनको परमिशन लेनी होगी. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज गिवन ग्रीन सिग्नल टू सेटअप नीलगाय रिसर्च इंस्टीट्यूट एट डुमराव इन बक्सर. तो बक्सर के डुमराव में एक नीलगाय रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना है, उसका परमिशन मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दे दिया है खोलने के लिए. बिहार फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क विल बी बिल्ट एट थावे इन गोपालगंज. तो गोपालगंज के थावे में पहला, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क खुल रहा है डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सैम्पलिंग ऑफ भीमा स्पीशीज स्पेशल वैरायटी ऑफ बम्बू. भीमा स्पीशीज क्या है, एक स्पेशल वैरायटी ऑफ बम्बू है, वह प्लांट किया जाएगा. ए 20 फीट हाई शिवलिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 5 लाख रुद्राक्ष इन मोतिहारी बिहार. तो बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से क्या बन रहा है, 20 फीट का शिवलिंग बनाया गया था. एंड दिस इज बिहार टॉलेस्ट शिवलिंग मेड ऑफ रुद्राक्ष. तो रुद्राक्ष से बनने वाला ये बिहार का सबसे टॉलेस्ट शिवलिंग था. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू एस्टैब्लिश पीस एंड वेलफेयर अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो इससे क्या होगा, शांति होगा पूरे दुनिया में. बिहार बक्सर इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ हब ऑफ ब्लैक साल्ट राइस. तो बिहार बक्सर क्या किसके तरफ मूव कर रहा है, बिकमिंग अ हब ऑफ ब्लैक साल्ट राइस. तो एक ब्लैक साल्ट राइस की तरफ बिहार का बक्सर मूव कर रहा है.
चलिए हम चलते हैं अब अपने लास्ट चैप्टर पे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बिहार, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। चलिए, इंडिया फर्स्ट खादी मॉल ओपन कहाँ पे, पटना में, कोई कंफ्यूजन नहीं। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल स्मार्ट प्री पेड मीटर्स, तो पहला पूछ रहा है कि इंडिया का पहला राज्य बताइए जहां पे स्मार्ट प्री पेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाया गया है, तो बिहार। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन पुलिस पर्सनल आर इन, किस जिले में किस राज्य में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है, तो बिहार में। इंडिया टॉलेस्ट स्टैचू बिंग बिल्ट इन द स्लीपिंग पोस्चर ऑफ महात्मा बुद्ध एट, इंडिया का सबसे लंबा स्टैचू स्लीपिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा, बुद्धा का जो स्लीपिंग पोस्चर है तो उस पोस्चर में सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ बना है, तो बोध गया में, कितना है, लगभग 100 फीट लॉन्ग है और 30 फीट हाई है। अनाउंसमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इंडिया लार्जेस्ट फूड पार्क, तो लार्जेस्ट फूड पार्क बनने का अनाउंसमेंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, कहाँ पे, मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा, ठीक है। इंडिया टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सीता माता बिंग इंस्टॉल्ड एट, सीता माँ का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ बनने वाला है, सीतामढ़ी में, कितना होगा, 251 मीटर, कितना, 251 मीटर। अनाउंस टू मेक द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया फर्स्ट वेमेन स्वाभिमान बटालियन, तो इंडिया का पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, वाल्मीकि नगर ऑफ बघा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के बघा में क्या है, वाल्मीकि नगर है, वहां पे हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। Which is the first state in India to bring the ethanol production promotion policy केस, तो बिहार इंडिया में पहला राज्य कौन सा है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 21 लाया है, वह राज्य है बिहार। विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेवा इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तो यह है बिहार। वेयर डिड इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी ओपीडी ग्रीन ओपीडी ओपन, तो पहला इंडिया का पहला एस्ट्रोलॉजी ओपीडी कहाँ ओपन हुआ है, तो दरभंगा में, दरभंगा बिहार। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च ओपन, डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खुला है पहला, तो पटना बिहार। वेयर विल इंडिया सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बी ओपन, और इंडिया का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खुला है, तो भागलपुर में, पटना और भागलपुर। इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओपन लाइब्रेरी इन ऑल ग्राम पंचायत पूर्णिया, तो इंडिया का पहला जिला ऐसा जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खोलने वाला, तो यह पूर्णिया जिला। वेयर विल इंडिया फर्स्ट क्राफ्ट म्यूजियम में बिल्ट, इंडिया का क्राफ्ट पहला क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बन रहा है, तो पटना में। इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू गिव 33% रिजर्वेशन टू द गर्ल स्टूडेंट इन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन बन गया है इंडिया का, यह बना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच स्टेट्स पुलिस प्रिपेयर्ड वुमेन्स कमांडर स्क्वाड, तो किस राज्य के पुलिस ने क्या बनाया है, वुमेन्स कमांडर स्क्वाड बनाया है पहली बार, यह बनाया बिहार पुलिस ने। हु बिकम द यंगेस्ट स्काई डाइवर इन इंडिया इन जस्ट 20 ईयर्स, 20 साल में सबसे यंगेस्ट स्काई डाइवर कौन बना है, तो ये बनी है अनामिका शर्मा फ्रॉम मोकामा बिहार, अनामिका शर्मा याद रखिएगा, मोकामा से बिलोंग करती है और यंगेस्ट स्काई डाइवर है जो महज 20 साल में बन गई। विच बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज पे स्टेट एक्शन प्लान बनाने वाला कंट्री का दूसरा राज्य कौन बना है, बिहार, बिहार, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिजर्व 33% सीट्स फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग मेडिकल एंड स्पोर्ट्स कॉलेज, तो इंजीनियरिंग मेडिकल और स्पोर्ट्स कॉलेज में 33% रिजर्वेशन देने वाला बिहार का कंट्री का पहला राज्य कौन बन गया, तो बिहार। इंडिया फर्स्ट बापू टावर 120 फीट हाई इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड वेयर, तो इंडिया का पहला बापू टावर जो कि 120 फीट हाई है वो कहाँ पे बन रहा है, तो पटना गर्दनीबाग पटना में बन रहा है, कहाँ पे, गर्दनीबाग पटना। वेयर इज इंडिया फर्स्ट बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कहाँ बन रहा है जो सिर्फ और सिर्फ स्टोन से बनेगा, ये बीइंग बिल्ट हो रहा है वैशाली बिहार में। Which is the first state to give industry statue to sugar cane jaggery production? पहला राज्य बताइए जो sugar cane jaggery production को industry status दिया गया है उस राज्य में, तो वह राज्य है बिहार। Which was declared India's first nutritional village? सबसे पहला इंडिया का nutritional village किसे declared किया गया है, तो कुकरी village पटना district में आता है, कुकरी village, यह क्या है, world's इंडियाज
पहला न्यूट्रिशनल विलेज, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई वेयर हाउसिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में ई वेयर हाउसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। द फर्स्ट स्टेट टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डिजिटाइज लैंड डॉक्यूमेंट्स एट होम। होम पे घर पे बैठे बैठे एक ऑनलाइन डिजिटाइज लैंड डॉक्यूमेंट एक्सेस करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सभी कोर्ट में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने के लिए पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट? तो शकीबुल घानी, बिहार। तो पहला इंडियन प्लेयर बताइए जो ट्रिपल सेंचुरी जिन्होंने बनाया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ये शकीबुल घानी जो बिहार से बिलोंग करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट्स फर्स्ट बायोगैस प्लांट विल बी सेटअप? तो बिहार का पहला बायोगैस प्लांट किस जिले में सेट होगा? बरहमपुर, बक्सर। वेयर विल बिहार्स बिगेस्ट इथेनॉल प्लांट बी सेटअप? बिहार का बिगेस्ट इथेनॉल प्लांट कहां सेटअप होगा? पूर्णिया में। वेयर इज बिहार सेकेंड जू बिंग कंस्ट्रक्टेड? तो बिहार का दूसरा जू कहां बनना है? अररिया, रानीगंज, वृक्ष वाटिका में। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट जूट एंड फाइबर पार्क बिंग ओपेंड? तो इंडिया का पहला इंडिया का लार्जेस्ट जूट एंड फाइबर पार्क कहां बन रहा है? तो पूर्णिया में। विच वॉज गिवेन द स्टेटस ऑफ बिहार सुपौल गार्बेज फ्री सिटी? तो बिहार फर्स्ट गार्बेज फ्री कौन सा है? तो यह है सुपौल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट फूड प्रोसेसिंग ऑफिस ओपन? तो बिहार का पहला फूड प्रोसेसिंग ऑफिस कहां पे ओपन हुआ है? तो पटना में। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल ब्रीडिंग इनॉग्रेटेड? तो बिहार का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमल ब्रीडिंग उद्घाटन किया गया है, तो यह किया गया है पिपरा कोठी, ईस्ट चंपारण। वेयर इज द बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट सिटी बिंग बिल्ड? बिहार का पहला फॉरेस्ट सिटी कहां बन रहा है? तो ब्रह्मयोनी माउंटेन गया, ब्रह्मयोनी माउंटेन गया में पहला फॉरेस्ट सिटी बन रहा है बिहार का। वेयर इज द फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट बिंग बिल्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन बिहार? तो बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बन रहा है? इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट बन रहा है, कहां पे? फतुहा में। वेयर विल द फर्स्ट बंबू गार्डन ऑफ बिहार में बिल्ड? तो बिहार का पहला बंबू गार्डन कहां बन रहा है? यह बन रहा है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स बोध गया। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक ओपन? बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक क्या है? नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक खोला गया है माँ ब्लड बैंक, ये खुला है पटना में। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट जू सफारी स्टार्टेड? बिहार में पहला जू सफारी कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजगीर, नालंदा। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट नेचर सफारी, ये कहाँ पे शुरुआत किया गया है नेचर सफारी का? तो ये भी राजगीर, नालंदा। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? दरभंगा, दरभंगा में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिल्ड किया गया है। वेयर वॉज बिहार सेकेंड फ्लोटिंग पावर प्लांट? सुपौल। दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? सुपौल में। वेयर इज बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज बिंग कंस्ट्रक्टेड? बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर। वेयर इज बिहार फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर? तो फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पे पहला बन रहा है? ये बन रहा है भागन बिघा नालंदा में। विच हैज बिकम द बिहार फर्स्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विलेज? बिहार का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विलेज ये बनना है केडिया विलेज जमुई, केडिया विलेज जमुई। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ ई ऑफिस पेपरलेस सिस्टम? तो सहरसा, याद रखिएगा पहला जिला ई ऑफिस है, कंप्लीट पेपरलेस है सहरसा। द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार विच बिकेम कंप्लीटली डिजिटल, जो कंप्लीटली डिजिटल हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पटना, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पटना, ठीक है। वेयर इज बिहार फर्स्ट डबल डेकर फ्लाई ओवर बिंग बिल्ट? बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है छपरा में। इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 3.5 किलोमीटर। वेयर विल द सेकेंड डबल डेकर फ्लाई ओवर ऑफ बिहार बी बिल्ट? और दूसरा डबल डेकर कहाँ बन रहा है? तो पटना में, करगिल चौक टू पटना साइंस कॉलेज।
वेयर इज बिहार लार्जेस्ट मॉडर्न कार्गो टर्मिनल बिंग कंस्ट्रक्टेड, तो बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है? सारण डिस्ट्रिक्ट में। वेयर इज बिहार फर्स्ट फिश फीड मिल बिंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फिश फीड? विक्रमगंज रोहतास, विक्रमगंज रोहतास। वेयर विल बिहार फर्स्ट एक्सप्रेस वे बिल्ट? बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बन रहा है? तो औरंगाबाद, औरंगाबाद टू जयनगर, औरंगाबाद टू जयनगर। वेयर इज बिहार बिगेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क बिंग बिल्ट? बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? तो दोभी, गया में। वेयर इज बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट बिंग बिल्ट? पहला फॉरेस्ट पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? राजगीर में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू प्रिपेयर डिजिटल फर्टिलिटी मैप, तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप प्रिपेयर करने वाला पहला जिला ये किशनगंज। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ 100% डिजिटल बैंकिंग ये होगा जहानाबाद, ठीक है। विच इज गोइंग टू बिकम द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार? तो कैमूर, ये से पहले भी देख चुके हैं इसलिए बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वेयर इज बिहार फर्स्ट रबर डैम बिंग? फाल्गु रिवर, गया, गया जी डैम। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार? तो कनवर ताल, बेगूसराय। फर्स्ट साइंस सिटी बिंग बिल्ट? पटना। सेकेंड एम्स कहाँ बना? दरभंगा, ठीक है। तो ये थी कहानी पूरी इस मैगजीन की थ्योरी वाले पार्ट को, तो ये थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। तो इस चलिए तो खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट सीरीज। तो आप लोग इसको एक दो बार और रिवाइज कर ले ताकि जो प्रैक्टिस सेट आए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको सॉल्व करते वक्त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।